वेलकम दोस्तों, कंपाउंड इंटरेस्ट में आपका स्वागत है। आज हम इस लेक्चर में साधारण प्रश्नों को सॉल्व कैसे करते हैं, बेसिक क्वेश्चंस को वो देखेंगे कैसे सॉल्व करते हैं। जैसा कि आप क्वेश्चन देख रहे हैं दोस्तों, 3000 का 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्रधन पूछा गया है। यानी मैं इसको इंग्लिश में बता दूँ कि कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा गया है, अमाउंट पूछा गया है कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करके। इसको देखते हैं कैसे कैलकुलेट करते हैं हम लोग। देखिए दोस्तों, ये जो मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो मैं तरीका बताऊंगा, ये थोड़ा डिफरेंट तरीका है। जनरली कन्वेंशनल तरीका जो होता है P1+R/100 to the power n, एक ये होता है। दूसरा होता है कि 3000 का पहले 10% निकालो, 10% 300 आ गया, फिर इसका 10 फिर 3000 और ये 300 दोनों का ऐड करके फिर इसका 10% निकालो। तो ये तरीका जनरली बताया जाता है कोचिंग इंस्टीट्यूट में, लेकिन मैं जो तरीका बताऊंगा इन दोनों तरीके से अलग है। बस इसमें एक चीज़ है कि जैसे यहाँ पे 2 वर्ष पूछा गया, तो ये जो 2 ईयर्स है इसमें आप इन सब चीज़ों को ध्यान रखिएगा। ये रेशियो है, इसको याद रखिएगा। आपको जब 2 ईयर्स का हो तो ये याद रखिएगा, जब 3 ईयर्स का हो तो 3 3 1 याद रखिएगा, जब 4 ईयर्स का पूछा हो 4 6 4 1, ये रेशियो याद रखिएगा। बस इस रेशियो को याद रखिएगा, उसके बाद आपका जो क्वेश्चन होगा कंपाउंड इंटरेस्ट पे वो चुटकियों में सॉल्व होगा। तो इस लेक्चर में सिर्फ देखेंगे बेसिक क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन ये पूछा गया है, 3000 का 20% CI 2 साल के लिए निकालना। तो 2 साल के लिए पूछा तो हम इसको यूज करेंगे। देखिए दोस्तों, ये हो गया हमारा रेशियो, इसको लिख लेते हैं 2:1। अब क्या पूछा है, 20%। देखिए 3000 का 20% कितना हो गया, 3000 का 20% हो गया 2020 कट जाएगा, 600 हो जाएगा। फिर क्या करना है मुझे, 2 साल पूछा तो ये जो है इसका फिर 20% निकालेंगे हम। तो इसका फिर 20% हो गया 120। अब क्या करेंगे, 2 साल का है पूछा है तो खत्म हो गया हमारा 2 साल तक इतना ही। इसको मैं थोड़ा सा, अब देखिए इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई। ये कोई ट्रिक नहीं दोस्तों, ये एक तरीका है, याद करने की आपको जरूरत नहीं है, बस आप इसको याद रखिए। अब देखिए ये कितना हो गया, 1200 प्लस ये हो गया 120। अब इसको जोड़ दीजिए, 12 1 1320, ये आंसर हो गया। ये CI हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट। अब ये पूछा है मिश्रधन, तो मिश्रधन कैसे निकलेगा, 3000 में जोड़ दीजिए 1320 को, 3000 1 4000 320 रुपये, ये हमारा आंसर हो गया। अब दोस्तों ये तो हो गया हमारा, 2 ईयर्स का पूछा है तो हमने 2 ईयर्स का निकाल लिया। क्वेश्चन सेम ही होता अगर ये 3 साल के लिए पूछा गया होता तो कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो है इसको आप मिटाते हैं, इसको भी मिटाते हैं, बाकी को रहने देते हैं। यहाँ पे 3 ईयर्स अगर पूछा होता, ये 3 ईयर्स अगर पूछा होता टाइम, बाकी सब सेम होता, तो हम इसको लेते 3 ईयर्स को, रेशियो को। तो ये रेशियो हमारा अब क्या हो गया, 3:3:1। और 3000 का 20% सेम प्रोसेस, फिर यहाँ पे इस 600 का 20% निकालते हैं, सेम प्रोसेस। अब इस 120 का 20% हम निकालेंगे फिर, तो इसका 20% फिर हम निकालते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा 10% निकालते हैं तो 12 हो जाएगा, यानी 20% ये 24 हो जाएगा। ये हो गया हमारा, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है यहाँ तक। अब इसको बस मल्टीप्लाई करना है और कैलकुलेट कर देना, बस इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, मल्टीप्लाई। ये हो गया 6 3 1800, ये हो गया 12 3 36 360, और ये 24। ये तीनों को ऐड कर दीजिए आपस में,
चार चार चार, दो छः आठ आठ, तीन और आठ ग्यारह, एक और एक दो, ये हमारा सी आई हो गया दोस्तों। कितना आसानी से बना, इसमें कुछ नहीं करना है आपको, सी आई हो गया। अब ए पूछा होता तो जोड़ देंगे इसमें, 3000 प्लस 2184 रुपया, ये हो गया 3 2 5000, 3 2 5000 और 184 रुपया, ये हमारा आंसर हो गया दोस्तों। वेरी सिंपल, फोर इयर्स पूछे तो फोर इयर्स भी हम बना सकते हैं दोस्तों, लेकिन ये फोर इयर्स में नेक्स्ट लेक्चर में बताता हूँ आपको, सेम प्रोसेस है, बस ये जो है 20% कैलकुलेट करना है, 20% फिर इसका 20% कैलकुलेट करेंगे, यहाँ 4641 रखेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर हमारा आ जाएगा। ये 7-8 मिनट के वीडियो हो जाएगा, मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताता हूँ दोस्तों फोर इयर्स का कैसे बनाते हैं।